ये जौहर भाई हमारे आज हंडी की तैयारी कर रहे, माशाल्लाह पहले भी इनके हाथ से खाए थे। स्पेशल इनको अपन ने चार दिन से परेशान करके रखे, आज फाइनली हंडी की तैयारी पूरी रेसिपी बनने वाली है, उसको मैं पूरा वीडियो में आप लोग को अपलोड करूंगा। सर अभी ये क्या है सर? ये अभी चिकन धुला रहे हैं जी, और इसके बाद इसमें मैरिनेशन होगा थोड़ी देर में। परफेक्ट, तो फिर आगे अब आपको दिखाएंगे फिर। ओके, और इसके साथ मटकी भी आया के रेडी है, इसको भी वॉश हो गई पूरी, इन्होंने अरेंजमेंट किया है। बात अलग है, पैसा किसका वो मालूम नहीं हम लोग को। सो शेफ साहब क्या बना रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या डाल रहे हूँ? ये अभी मैं चिकन मैरिनेशन कर रहा हूँ, तो इसमें भी पहले मैंने दही डाल दिया है, ये हल्दी है, ये 3 किलो चिकन है हमारा, 3 किलो में 400 ग्राम मैंने दही डाला है, और स्वाद अनुसार नमक कभी डाल दिया, नमक मैंने कम डाला है अभी, क्योंकि अभी ये प्याज फ्राई करने के लिए नमक और यूज़ करूँगा, प्याज जल्दी गल जाएगा नमक डालने से। और ये हल्दी है तकरीबन 30 ग्राम, मिर्ची पाउडर 20 ग्राम, और ये गरम मसाला पाउडर, और ये आपका आ गया चिकन पाउडर, और ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें कितना लहसुन पड़ा होगा आपके आइडिया से अंदाजन? आइडिया मैक्सिमम 70 ग्राम के आसपास लहसुन, और 40 ग्राम के आसपास आपका आ जाएगा अदरक। इसको मैरिनेशन करके आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे चिकन गलने के लिए। ओके, और इसके बाद आपको जैसे होता है फिर प्याज फ्राई करने 10 से 12 मिनट के बाद चढ़ाएंगे, तब तक अपना चिकन भी जब तक थोड़ा गल जाएगा। इसमें तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इसमें कंडीशन ये है कि इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं अपन? हाँ, हाथ से मिक्स कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये मतलब चिकन के अंदर जाएगा, और चम्मच से करेंगे तो पूरा उतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। ओके, इसके लिए हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। दही 400 ग्राम डाले आपने? हाँ, दही मैंने 400 ग्राम का यूज़ किया है। तीन किलो चिकन में ना? हाँ, 3 किलो चिकन में। ठीक, इसके लिए आग जलाने की तैयारी कर ली है, और आग जलाना काफ़ी मुश्किल ही काम है, मतलब बोले तो आग जलाना लगता है मटन हांडी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड अगर कुछ भी है तो वो आग जलाना है। ये देखिए प्लास्टिक का भी यूज़ करना पड़ रहा है आग जलाने के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए। तो फाइनली हम लोगों ने हांडी गर्म होने के बाद ये सरसों का तेल यूज़ किया है, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो मतलब प्योर होता है, और ये गाँव का सरसों का तेल है तो ये काफ़ी प्योर है, इसीलिए हम लोगों ने सरसों का तेल यूज़ किया है। ये अब मटन हांडी में तेज पत्ता जा रहा है, और ये खड़ा जीरा, और ये हल्की सी काली मिर्च, और ये जो थोड़ा प्याज फ्राई करने के लिए, और प्याज जल्दी गल जाए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा नमक का यूज़ करेंगे, नमक स्वाद अनुसार ही डालेंगे क्योंकि मैरिनेशन के लिए मैंने नमक का यूज़ किया है, तो नमक स्वाद अनुसार ही यूज़ करें। अब इसको थोड़ा फ्राई कर थोड़ा चला लेंगे, ये सारा चीज़ एक साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा तेल काफ़ी अच्छे से गर्म है, ये प्याज लाइट ब्राउन होने के बाद अब जो मैंने मैरिनेशन रेडी किया था अपना, वो अब मैं हांडी में डालूँगा। तो ये देख रहे हैं क्वांटिटी कितना ज़्यादा है, और ये हमारे हांडी का साइज़ देखिए, अब हांडी का क्या हाल होता है। ये देख रहे कितने ये ईंट के चूल्हे पे कितने तकलीफ हो रही है चलाने में। सो शेफ साहब अभी मुझे ये बताइए कि मैरिनेशन के बाद का क्या प्रोसेस है? मैरिनेशन के बाद मैंने मसाला हल्का फ्राई होने के लिए हांडी में रखा है, उसके बाद ये गांव के लोग देसी हैं
तो इसके लिए मैंने लहसुन का यूज किया है, खड़ा लहसुन लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। okay. ये यहाँ पे मैं खड़ा लहसुन डाल दिया और जो थोड़ा मसाला बाकी था वो अब मैं पूरा डाल रहा हूँ। ये कौन सा मसाला है? ये तो गरम मसाला है जो जनरल घर में यूज होता है। ओके ये गरम मसाला है और ये चिकन मसाला है। ये गरम मसाला और चिकन मसाला मैंने डाल दिया है जी। और इसको थोड़ा सा मसाला मतलब मिक्स करने के लिए थोड़ा चला दे रहा हूँ कि ये सिर्फ मिक्स हो जाए। ओके और ज़्यादा भी नहीं चलाना क्योंकि चिकन बहुत जल्दी जल्दी गल जाता है। ओके इसके लिए थोड़ा ही चलाया है मैंने। अब थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी का यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने कसूरी मेथी डाल दिया और ये रहा हमारा हरा धनिया जिसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है। ये अब सारा प्रोसेस होने के बाद अब मैं हांडी को बंद करने वाला हूँ। अब ये हमारा फाइनल स्टेज पे पहुँच चुका है, 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा ये। और ये हांडी को बंद करने के लिए आटा जो काफ़ी मुश्किल है ये आटे को लगाना, ये हम ट्राई करते हैं। दोस्तों इसमें आटा भी लगाया जा रहा है लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, टिपिकल स्टाइल से हमारे शेफ जौहर माशाल्लाह बहुत इससे बना रहे हैं, मिट्टी के हांडी में पूरा मसाला। लेकिन दोस्तों एक बात बोलूँ दिल से, बहुत मज़ा आ रहा है कि एक BMW वाला बंदा मतलब MH राइडर अरशद आपका इसके लिए मर रहा है, सोच लो कि कितना मज़ा आएगा। मैंने इससे पहले भी इस शेफ से खाना खाया हूँ, शेफ इसलिए बोलो दोस्तों क्योंकि इसको खाने को बनाने का बहुत शौक है और इसको इतना पसंद है बनाने के लिए कि ये मेरे लिए स्पेशल अपनी पूरे घर को भाग कर गया, पूरा सफाई से अपने हाथ से हंडी लाया, सब कुछ लाया और अभी बना के पूरा रेडी कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आटे के बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक आप लोग देखते भी रहोगे कि क्या मेहनत है और फुल आई थिंक सो रात हो रही है, 36-37 डिग्री की गर्मी चालू हो चुकी है। फाइनल स्टेज के लिए दोस्तों कम से कम शेफ कितना टाइम और इसको खोलने में लगेगा? मैक्सिमम 20-25 मिनट और लगेगा। 20-25 मिनट लगेगा। 20-25 मिनट चीज मैं बोलूँ आप लोग को, मैं इससे पहले भी एक्सपीरियंस किया था लेकिन रियली मसाला जैसे जैसे जा रहा है पेट में बहुत एकदम हलचल मच रही है खाने के लिए और भूख भी बढ़ चुकी है। दोस्तों बहुत मजा आएगा, खाता हुआ भी एक छोटा सा वीडियो जरूर डालूंगा और आप लोग की दुआ से बाहर जाने का शेफ में हो चुका है बाहर का, दुआ करना कि ऐसी अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। खाना आ रहा दोस्तों, शेफ खाना लेके आ गया। शेफ भाई खाने की इज्जत रहनी चाहिए और ये हम लोग सब पार्टी के लिए बैठे हैं रेडी, रोटी रेडी और आज हम लोग लड़के लोग सर्व करेंगे खाना, बर्तन धो लेना सब लोग, तुम लोग चलिए बैठिए। क्या बात है, अभी भी हंडी का गरम उबल रहा जमीन पे रखने के बाद भी, माशाल्लाह बड़ा खूब अच्छा लग रहा है। दोस्तों फिश भी आ गया और चिकन भी आ गया, रोटी भी आ गया, ओह फिश का सालन भी आ गया और हमारे शेफ सबको सर्व कर रहे हैं। खाने के बाद टेस्ट सबको पूछ के बता। वकील भाई खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बना। अच्छा है ना? बहुत अच्छा बना। और किसी का रिव्यू मिलना तो अच्छा लगा, अच्छा लगा ना बच्चों लोग, आप लोगों को खाना अच्छा लगा ना? अच्छा लगा भाई, वी आर रियली अप्रिशिएट टू जौहर शेफ और इंशाल्लाह आने वाला अपकमिंग में हमारा वकील भी शेफ बनने वाला है। बाजी रहने दो ताकि दोबारा काम आए।